दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संगठन समझे जाने वाले ब्रिक्स में इस साल दो नए देश जुड़ सकते हैं। ब्रिक्स में इस वक्त नौ देश हैं, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। और 2023 में जुड़े चार देश ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। ब्रिक्स से जुड़े देशों का कहना है कि इस संगठन को पश्चिमी देशों के वर्चस्व को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तुर्की की न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस साल काजान में होने वाले ब्रिक्स समिट में अजरबैजान और फिलिस्तीन को शामिल किया जा सकता है। इस संगठन में फिलिस्तीन का शामिल होना चौंकाने वाला है, क्योंकि यह संगठन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन माना जाता है और फिलिस्तीन के पास अपनी तय सीमा भी नहीं है और ना ही यहाँ की सरकार के पास आर्थिक गतिविधियों का ठीक से संचालन करने के लिए व्यवस्था है। फिलिस्तीन का इस गुट में शामिल होना रणनीतिक तौर से बेहद अहम है। गाजा में जारी इजरायली आक्रमण के बाद कई देशों ने फिलिस्तीन को आजाद राज्य का दर्जा दिया है। ऐसे में ब्रिक्स में भी फिलिस्तीन का शामिल होना फिलिस्तीन आंदोलन को नई रफ्तार दे सकता है। मॉस्को में फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल हाफिज नोफाल ने कहा है कि रामल्ला होने वाले शिखर सम्मेलन के बाद ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होने के लिए अपना आवेदन देगा। ब्रिक्स समिट इस साल अक्टूबर में रूस की राजधानी से लगभग 870 किलोमीटर दूर काजान में होने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वादा किया है कि इस समिट का एक पूरा सेशन फिलिस्तीन के लिए आयोजित किया जाएगा। मॉस्को में फिलिस्तीनी राजदूत हफीज ने कहा कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास को ब्रिक्स में भाषण देने के लिए आमंत्रित करना इस बात को दर्शाता है कि गाजा पट्टी में सभी अपराधों, हत्याओं और विनाश के बावजूद फिलिस्तीन जीना और विकसित होना जानता है। रूस ने गाजा में इजरायली आक्रमण की शुरुआत के बाद से बार बार खुद को फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए फिलिस्तीन का पक्षधर बताया गया है। रूस की ओर से पिछले 10 महीनों में दिए गए बयानों से ऐसा लगता है कि रामल्ला के लिए सबसे स्वाभाविक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षकों में से एक है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO, जिसने औपचारिक रूप से 1988 में फिलिस्तीन राज्य का ऐलान किया था, लेकिन इसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। आज तक 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में से 145 ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता दी है, जिनमें से यूरोपीय संघ के सिर्फ 12 देश यानी बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, साइप्रस, हंगरी, आयरलैंड, माल्टा, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन है। पुतिन के अजरबैजान दौरे के दौरान अजरबैजान ने भी ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। बाकू और मॉस्को के बीच पिछले कुछ सालों में संबंध मजबूत हुए हैं। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने से दो दिन पहले ही दोनों देशों ने सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए अलाइड इंटरैक्शन का ऐलान किया था। रूस के साथ बढ़ते संबंधों के बावजूद अजरबैजान हाल ही में यूरोपीय संघ का भी एक खास एनर्जी पार्टनर रहा है, जो यूरोप को यूक्रेन में युद्ध के बाद हाइड्रोकार्बन की कमी को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस और तेल का एक्सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देशों विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 Digital।